हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत सारे लोग क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर वो यूनिट्स एंड डायमेंशन कितनी सारी याद करें। ठीक है, तो बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत सारी आपको याद नहीं करनी होती, मैं आपसे सिर्फ बोलूँगा कि आप सिर्फ 6 याद कर लो, 6। ठीक है, 6 लर्न करने के बाद फिर आपको कोई और लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी उन्हीं की हेल्प से आप सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा पहले बेस समझेंगे कि बेस में और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो जैसे बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई फिजिक्स बना कैसे, किन किन क्वांटिटीज को लेके बना गया, एकदम बेस से। ठीक है, जो जब स्टार्ट हुआ था ऐसा समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, तो आपने बोला कि सर सबसे पहले हमने चूज किया कि कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, तो उसको नाम दे दिया फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो भाई जान लीजिए, दो टाइप की होती है हमारी। पहली है इसमें बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट, एंड सेकेंड है हमारा बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्या होता है, जो फंडामेंटल की हेल्प से बना हो। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। अब देखो यहां पर क्या आता है बेटा कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें फंडामेंटल जिससे पूरा फिजिक्स बना है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, पता भी होना चाहिए भाई पूरी की पूरी फिजिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये टोटल हमारे पास कितनी है बेटा, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरी लाइफ में नहीं आप भूलेंगे, राइट। तो जरा ध्यान दीजिए फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है बेटा। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे समझते हैं कि लाइक अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई बेबी है बेटा इस दुनिया में आया, ठीक है, और उस बेबी का मेजरमेंट करना है, फिजिकल थिंग्स जितनी भी चीजें हैं वो मेजरमेंट करना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का है लड़की है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई ये इसके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो आपने बोला कि सर सबसे पहले हम लोग उसका क्या चेक करेंगे, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे उसका मास, राइट, मास चेक करेंगे। ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं सर चूजा सा हो गया एकदम छोटा सा बच्चा, हा? मास चेक करेंगे। मास भाई एक क्या उसका होता है ना कि भाई इतना वेट तो उसका होना चाहिए, तो वेट नहीं हम लोग यहाँ पर मास बोलेंगे। दूसरा क्या आएगा, सेकंड नंबर आ जाता है मास के बाद लेंथ चेक करते हैं भाई कि कहीं एकदम छोटा तो नहीं हो गया, लेंथ चेक कर लिया। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। फिर आ जाता है हमारा बेटा थर्ड नंबर पे, हम लोग उसका बर्थडे मनाते हैं तो क्या करेंगे, टाइम चेक करेंगे भाई किस टाइम पे पैदा हुआ बच्चा, राइट। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं बेटा हम लोग, टेम्परेचर भी उसका चेक करते हैं कहीं फीवर तो नहीं है। ठीक है, तो आपने बोला कि सर उस बच्चे की चीजों को चेक करते ही हम लोग क्या किए, सारी चीजों को यहाँ पर समझ गए, है ना। चार आ गया, पांच नंबर पे आया बेटा हमारा, जैसे कई बार क्या होता है बच्चा पुअर होता है तो उसको ऑक्सीजन पे रख दिया जाता है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर जनरली हम लोग गैसेस या बहुत छोटी छोटी चीजों को जब स्टडी करना होता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर आता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको आप मोल में बोलते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट से ही हमारा क्या होता है बेटा, इंपल्सेस लाइक बॉडी में कितना सिग्नल फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, और यहां पर बेटा हमारा सेवन नंबर आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। तो ये तक यहां तक हमारा, ये बेटा टोटल हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, तो अब देखो इसके आगे हम लोग समझते हैं इसमें और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अभी हमने यहां पर देखा कि भाई मास,
ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये 7 के 7 भाई आपको याद रहना चाहिए। क्यों? बोले यार देखो, फिजिक्स की जो भी बुक्स है, मतलब आप इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, या जो फील्ड में भी आप फिजिक्स में PhD कर लो जा करके, इन 7 चीजों के अलावा कुछ नया आपको नहीं मिलने वाला है ना। क्यों? ये फंडामेंटल है। जैसे आपने बोला किचन में अगर खाना बनाना है, तो भाई जो बेसिक चीजें वो हर किचन में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उसके बिना खाना बन ही नहीं सकता। तो वैसे ही आप यहां पर समझ लो कि ये 7 के बिना फिजिक्स ही नहीं बन सकता, राइट। इसलिए इसको हमने क्या बोला, फंडामेंटल, यानी बेस क्वांटिटी, जिसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा हमारा फिजिक्स बना है। क्लियर? अब अगर हम लोग, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, तो इसमें जो ये 3 है, तो ये हम लोग सिर्फ क्लास 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, इस 9th में इसमें 3 क्वांटिटीज के आगे हम लोग जाते ही नहीं क्लास 9th में। ठीक है, और अगर हम लोग NCERT की बात करें कि फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारा ये एक चीज और आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट तो हमारा रहता है ये 10th में। ठीक है, ये वाला आता हमारा 10th में। अब कौन सा बचा, तो इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये, अगर इन चारों को शामिल कर दोगे तो ये आप समझ लो कि ये हम लोग 11th के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट में। क्लियर? तो मतलब 11th में आप ऐसे समझ सकते हो कि ये 4-5 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, ये पूरे के पूरे 9+2 ये वाले आ जाएंगे हमारे कितने, क्लास 11th में, राइट। अब क्या होगा कि अगर हम लोग यहां पर इन 3 क्वांटिटीज को, इन 3 क्वांटिटीज को बेटा हम लोग मैकेनिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल क्वांटिटीज, राइट। तो ये भैया हो गई हमारी मैकेनिकल क्वांटिटीज। अब मैकेनिकल क्वांटिटीज समझ लिया, ये बात समझ में आ गया, तो मतलब ये कह दूं मैं शॉर्ट में कि भैया क्लास 11 में आपको सिर्फ 5 पढ़ने हैं। ये तो अभी सिलेबस से निकल गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था क्लास 11th में, तो ये चला गया क्लास 10th या फिर कह लो 12th में। ओके, तो अब कितना बचा बेटा, ये आपके पास सिर्फ ये 5 चीजें आपको पढ़नी है, और 5 में भी सिर्फ 3 ये जो है ना बेटा 11th का जो फर्स्ट पार्ट आपका वॉल्यूम है उसमें सिर्फ ये 3 MLT यानी मास, लेंथ, टाइम, और कोई नया वर्ड नहीं आने वाला है। क्लियर? अब देखो बेटा, इसके बाद इसी में आ जाता है कि भाई मास का यूनिट क्या होता है, तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो आप जानते हो मास का यूनिट क्या होता है बेटा, मास का यूनिट होता है हमारा kg यानी किलोग्राम। ओके, उसके बाद आ जाता है लेंथ, लेंथ का बेटा हमारा यूनिट होता है मीटर, राइट। और उसके बाद आ जाता है टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है बेटा मोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते हैं एम्पियर होता है हमारा। ठीक है, कोई और नया नहीं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका होता है बेटा हमारा कैंडीला, तो कैंडी लिखा है ना साथ में आगे बोल दो ला, हाँ कैंडी ला, ला दे दे, है ना, खैर हाँ। सो ये क्या हुआ बेटा, 7 के 7 आ गए भाई। अब इनकी यूनिट्स भी हमें पता होना चाहिए, क्यों, फंडामेंटल है, पूरी लाइफ यही पढ़ना है, कुछ और आने वाला ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, कंक्लूड ये क्यों किया कि भैया 11th में 5 के अलावा छठा नहीं आने वाला है ना, ये आपको मिलेंगे जाकर के 12th में, ये दोनों के, ये तो आपका सिलेबस ही गया 10th वाला, आपका 10th में कह लो या केमिस्ट्री, आप 12th में कह लीजिए जाकर के, तब मिलेगा जाकर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो 5, और 5 में 3 ये पहले के जो फर्स्ट पार्ट ऑफ NCERT और सेकंड के भी कई सारे चैप्टर से इन्हीं 3 में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब तक थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है तब तक ना तो टेम्परेचर आता है और ना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल वाला कॉन्सेप्ट आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूनिट्स याद हो गए। अब बेटा देखो, इसी के बाद आता है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में कैसे, जैसे मास का पहला वर्ड क्या दिया हुआ बेटा, कैपिटल M। ओके, उसके बाद लेंथ का पहला सिंबल क्या है, यहां पर कैपिटल M, यहां पर लेंथ का हो गया L। ओके, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी टाइम का क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा कैपिटल T। अब टेम्परेचर के लिए भी अगर कैपिटल T लिखोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, तो बेटा इसको हम लोग केल्विन का K
या फिर सम कुछ अलग बुक्स में थीटा भी लिखा होता है, तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इसका यूनिट से ले लिया आपने क्या चीज, केल्विन। ठीक है बेटा, तो ये आपके चार हो गए, और पांचवा कौन सा आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको बेटा हम लोग मोल भी लिख देते हैं, MOL, या फिर सिंपल MOL लिख देते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट, भाई देखो यहाँ पर दो दो वर्ड दिए हैं, अब ई और सी लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, है ना, हमें शॉर्ट एंड सिंपल करना होता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एम्पियर का ए आ जाता है सिंबल हमारा, और कैंडिला का हो जाता है सी डी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो उसको भी लिख दो भाई सी डी। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये सेवन जो हमारे थे, ठीक है, ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशन यानी सिंबल आपको याद हो जाने चाहिए। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आपको मिलेगी वो इन्हीं तीन पे सिमट जाएंगी, मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्या MLT, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं कि MLT सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना। तो अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा कि ये जो आया इसमें लेंथ का दिया था L, है ना, तो इसमें एक चीज और यूज कर लेना कि लेंथ लिखा हो सकता है या फिर डिस्टेंस लिखा हो सकता है, तो उसका भी L लेंगे, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो उसका भी हम लोग क्या लेंगे, L ही लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे। क्लियर, पक्का? तो ये हमारा फटाफट आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया सर समझ में आ गया मजा आ गया, ठीक है, नोट करना है। अभी देखो मजा अभी आ गया आएगा, अभी मजा नहीं आया, ठीक है, मजा आने वाला है, जस्ट आ रहा है ना, तो इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया, कौन कौन से थे, तो आपने बोला कि सर अभी तो एकदम टंग पे होनी चाहिए, ठीक है, पहला क्या था MLT, तुरंत मास लेंथ टाइम, ये तीन तो भाई भूलना ही नहीं है, ठीक है, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सेवन के सेवन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने वो सेवन लर्न करने के लिए बोला बेटा, अगले सेवन भी आपको लर्न करने, इसके अलावा कुछ लर्न नहीं करना है, ठीक है। तो अगले सेवन कौन से लर्न करने, तो अगला भाई नंबर आ गया फंडामेंटल के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज का, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो है द क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखो समझेंगे इसको कैसे, डिराइव्ड क्वांटिटी में बेटा जैसे हमारा सबसे पहले आ जाता है स्पीड, ठीक है, स्पीड, ये भी हमारी सेवन ही है, तो पहले जैसे हमने यहाँ पर ले लिया नंबर वन स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला सब लोग जानते हो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस भाई किससे मेजर करोगे, आपने बोला ऑब्वियसली सर मीटर से, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसकी बेटा यूनिट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। तो डायमेंशन में क्या आएगा जरा इसको समझते हैं, तो सेकंड नंबर जैसे बेटा यहाँ पर आया हमारा सेकंड नंबर स्पीड के बाद आ जाता है वेलोसिटी, ठीक है, क्या आ जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल हो गया, ओके। अभी सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, इसलिए सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस का आपने बोला सर यूनिट हम लोग मीटर से मेजर करेंगे, टाइम अभी हम लोगों ने समझा है तो मीटर पर सेकेंड, सम टाइम इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्या, m into s - 1, ठीक है, s ऊपर जाएगा तो -1, उसका भी मतलब मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मीटर हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबका डायमेंशन क्या रहेगा, मीटर के लिए लेंथ आ जाएगा और टाइम के लिए भाई t आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, LT - 1, ये पहला हो गया। अब भाई वेलोसिटी आया तो इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, सेम, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे वही LT - 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, पक्का? अब देखो अगला थर्ड नंबर क्या आया हमारा, तो थर्ड नंबर बेटा वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल,
भाई ये हो गया अपना टाइम इंटरवल। ओके तो टाइम इंटरवल तो आपने बोला कि सर इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का क्या था मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड यानी टाइम वाले सेकंड से और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अभी आपने बोला कि सर इसका मीटर का हो गया सिंबल एल और सेकंड स्क्वायर यानी टी माइनस टू। ठीक है, इसको मास मत समझना, लोग कंफ्यूज आते हैं अरे सर वो मास, ये यूनिट लिखा भैया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर का सिंबल क्या होता है एल, एल टी माइनस टू, तो ये हमारा हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड आ गया। या आप यूं कह लो कि भाई ऊपर वाले में टाइम से और डिवाइड कर देते, एक टी से और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा टी माइनस वन। ओके नेक्स्ट नंबर बेटा, फोर नंबर हमारा क्या आया यहाँ पर, फोर के बाद भाई एक्सेलरेशन की बात आ जाता है डायरेक्टली मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है भाई, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अच्छा अभी अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हो, जानते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी आप जस्ट ये फॉर्मूले लिख लो, जितने जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो आगे वाले लेक्चर में आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन हाँ अभी बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लेने इनके। ठीक है, तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। अब भाई मास का यूनिट क्या था बेटा केजी, और वेलोसिटी ऊपर से वही उठा के रख दो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या बन गया बेटा केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो केजी का सिंबल क्या था, मैंने आपको बताया था भाई सिर्फ तीन ही इस्तेमाल करने, एम एल टी, है ना, एम फॉर मास और यूनिट बोले केजी सर इसका, है ना, ये मीटर का है और ये सेकंड का है, तो इसको आप लेंथ बोल सकते हो। राइट, मैंने क्या बोला था, लेंथ, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तीनों में से कोई भी हो वो एल ही लिखा जाएगा। राइट, पक्का। तो वापस से आते हैं, आपने बोला देखो सर केजी का सिंबल क्या हो जाएगा, मास यानी कैपिटल एम और एल टी माइनस वन ऊपर वाला उठा के नीचे चिपका दो, तो भाई इसको उठा के लाए यहां पर और सेट कर दिया, तो क्या हो गया एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया एम एल टी माइनस वन। ठीक है, पक्का। अब देखो नेक्स्ट फाइव नंबर को, चार हो गए, मैंने बोला ना सात से ज्यादा नहीं, इतना कर लेना है बस, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक FB पे और Instagram पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें, इंसेप्शन गाइड नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, चार हो गए, पांचवें नंबर पे कौन सा आता है हमारा, पांचवें नंबर पे आ गया बेटा हमारा मोमेंटम के बाद नंबर आ जाता है फोर्स, हालांकि क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो हर अगले वाला पीछे वाले से लिंक्ड है, ठीक है, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखा है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा मास का यूनिट बोले सर केजी और एक्सेलरेशन ये वाला उठा के नीचे रख दो तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, अब इसका डायमेंशन भाई फटाफट आप देख रहे होंगे, पहले मुझसे पहले ही आप लोग लिख लीजिए कॉपी में क्या हो जाएगा बता दीजिए भाई। तो आपने बोला सर इसका हो जाएगा एम और इसका एल और टी माइनस टू, या आपने बोला कि इसी वाले में सर इस वाले में क्या करो मास से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आपको डायमेंशन किसका मिल जाएगा, मिल जाएगा ना फोर्स का। पांच हो गए भाई, दो और बाकी है। सिक्स नंबर आया बेटा वर्क, वर्क भी आपने पढ़ा होगा क्या होता बेटा, W इज इक्वल टू आपने बोला सर ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स का यूनिट ऊपर लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी, देखो ये लिखा है ना, इसी के नीचे इसको चिपका देंगे भाई केजी मीटर सेकंड माइनस टू। राइट, अब क्या हुआ भाई, यहां से आपने बोला सर एक डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर यानी एल से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका डायमेंशन आप लोग खुद बताएंगे, क्या लिख दूं भाई, हाँ बिल्कुल भाई एम इसका एल स्क्वायर और टी माइनस टू, या फिर आप करो बोले सर इसी में एल मल्टीप्लाई कर दो अगला आ गया, है ना, इसमें जैसे आपने पिछले वाले में m से मल्टीप्लाई किया था, इस वाले में अगर हम लोग l से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आ जाएगा ना l इंटू एल एल स्क्वायर यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड लास्ट, ठीक है, सेवन नंबर अपना आ गया बेटा पावर, पावर ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है p इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। राइट, वर्क अपॉन टाइम, तो भाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपने बोला सर ये जो लिखा उसी में टाइम से डिवाइड करना है,
तो भाई टाइम से डिवाइड करोगे तो केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड क्या हो जाएगा माइनस क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ भाई। तो आपने बोला सर इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, समझ गए। तो मैंने बोला भाई बस इतना ही याद कर लो, बाकी सारे डायमेंशन ऐसे ही बस ऐसे ही निकलते चले आएंगे फटाफट फटाफट, ओके। तो फटाफट लर्न कर लो, जरा एक बार देखो रिपीट कर लेते हैं कि ये सातों के सातों क्या है। देखो पिछले वाले सात और ये वाले सात, सत्ते पे सत्ता, राइट पक्का। हाँ वो अमिताभ बच्चन वाली मूवी भी है, लेकिन हमारे सत्ते पे सत्ता क्या है, बोले सात फंडामेंटल और सात डिराइव क्वांटिटी, बस इतना लर्न कर लो, सारे के सारे डायमेंशन आप लोग खुद ही निकाल लोगे, क्लियर। तो देखो कैसे बेटा, स्पीड का भाई मीटर पर सेकंड, तो बोले एल टी माइनस वन, स्पीड और वेलोसिटी सेम हो गया था इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि छह याद करने सिर्फ, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, कॉमन है, बोले एल टी माइनस वन, इसी में टाइम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गया, है ना, इसी में मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन गया, वेलोसिटी में मास से मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम बन गया, है ना। देखो दोनों में क्या फर्क है, बस मास का, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन में मास किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स में, यानी हमने क्या किया डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया वर्क, और वर्क में टाइम से डिवाइड कर दिया तो बन गया पावर, ठीक है। तो ये बेटा एक फ्लो है, मतलब अगर जब क्लास 11th पढ़ रहे होगे, अगर आपने इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस की तो आगे की चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप कितना भी जोर लगा लेना, आप हमेशा फिर उसे डरते ही रहेंगे। तो जब भी कोई चीज़ अगर यहाँ से बीच में कुछ भी स्किप हो रहा है तो उसको आप समझिए जा करके, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जैसे बेटा वर्क लिखा हुआ है, तो वर्क और एनर्जी, एनर्जी फिर वो चाहे कोई भी टाइप की हो सबका डायमेंशन सेम ही रहेगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी, व्हाटएवर कोई भी नाम हो, बस अगर उसके पीछे एनर्जी लगा है तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, पक्का क्लियर, समझ गए। तो इसको भी फटाफट नोट करो, फिर अगले वाली हम लोग जो अलग अलग जो डायमेंशन आपको डराती है, जो JEE में आई हुई प्रॉब्लम्स है, नीट में आई हुई प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा, जैसे यहां पर सबसे पहले क्या आया इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट भाई हम लोग जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था सबसे पहले, तो क्या होता था बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो दैट इज क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका यूनिट बेटा क्या होता था, आपने अभी फिजिकल जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसमें करंट का आपने यूनिट क्या लिया था एम्पियर, तो इसका डायमेंशन क्या आया था बेटा ए, है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा लर्न करने जैसा नहीं था, लेकिन जैसे ही सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं बेटा चार्ज पे, तो आप देखेंगे कि चार्ज के लिए बेटा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपने बोला सर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता है ऊपर वाली इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भाई बराबर क्यू बराबर क्या आ जाएगा आई टी। अगर आप भूल जाएं तो ऐसे याद रखना चार्ज क्यूट होता है, हालांकि वो अपना ये वाला क्यूट स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, क्यू आई टी, क्यू आई टी क्यूट, ओके याद करने के लिए बोलो चार्ज सर बहुत क्यूट होता है ना, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, है ना। तो अब देखो भाई क्यू इज इक्वल टू आई टी आ गया, ओके। तो इसका देखो बेटा इसका यूनिट क्या बन गया आई फॉर एम्पियर और टी फॉर सेकेंड, राइट, एम्पियर इंटू सेकेंड इसका यूनिट, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, तो आप देख सकते हो भाई बड़ा इजी है, एम्पियर का ए डायमेंशन हो गया और टाइम के लिए टी, तो इसका क्या आ गया ए टी, ओके। तो चार्ज क्यूट है जिसका डायमेंशन होता है ए टी, ये तो याद करने का तरीका, हालांकि याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये हमारे दो डायमेंशन यहाँ पर कवर हो गए भाई, एम्पियर और चार्ज। इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्यू इंटू डी, डी डिस्टेंस होती है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो आप देख सकते हो बेटा इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा कूलम, चार्ज की यूनिट होती है यहाँ पर SI यूनिट और इसकी SI यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो कूलम से या क्या आ जाएगा बेटा कूलम और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो आप देख सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा,
तो आप देख सकते हो भाई डायमेंशन में चार्ज का ए टी पहले से निकाल रख सकते हो, इसका एल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए एल टी, है ना, तुम करते हो ना कंट्रोल ऑल्ट कंप्यूटर में, है ना कीवर्ड, तो यहाँ पर वो ए एल टी आप इस तरीके से किसका गया, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो आप देख सकते हो कि हम लोग तीन डायमेंशन यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है, तीन का काम हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके, तो भाई वन बाई वन आप लोग नोट भी करते जाना, मेरे साथ सॉल्व भी करते जाना, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो भाई इसको मैं रफ करता हूँ, तीन हो गए अपने, तो यहाँ से सब एक मेन है क्या, चार्ज का, चार्ज का आपको याद रखना है क्यू इक्वल टू आई टी, यानी ए टी इसका डायमेंशन होता है। आगे जो हम लोग देखेंगे इसमें बेटा क्या आ रहा है, तो उसको देखते हैं। तो फोर्थ नंबर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भैया फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए जो फोर्स के टर्म में हो, ठीक है। तो फोर्स के टर्म में कौन सा होता है, तो आपने बोला सर एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो मैंने आपको बोला था कि भाई फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा, फोर्स का क्या होता है बेटा, मास इन टू एक्सेलरेशन, यानी मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। नहीं याद है तो भाई याद कर लो, जैसे कि मैंने बोला था 6 स्टार्टिंग में याद रखिए। तो f इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो q इज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, f अपॉन q, ठीक है, यानी इसका SI यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का क्या हो गया कूलम, तो ये इसका यूनिट बन गया। तो आप देख सकते हो भैया डायमेंशन देखो कितना ईजी हो गया इसका, ठीक है, कि अगर फोर्स का तुम्हें याद है, मैंने बोला कि भाई आपको कौन कौन से याद रखने हैं, स्पीड वेलोसिटी सेम है एलटी माइनस वन, और एक्सेलरेशन एलटी माइनस टू, और मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड यानी एमएलटी माइनस वन, फोर्स वर्क पावर, बस इतने के याद कर लो, बाकी सारा काम भूल जाइए। तो देखो बेटा यहाँ पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का बोले सर याद है एमएलटी माइनस टू, और चार्ज का अभी आपने लिया था क्या एटी थोड़ी देर पहले, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो ये किसका डायमेंशन आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका भी काम तमाम, ठीक है। अब नंबर आया इलेक्ट्रिक पावर, तो देखो ये भी बड़ा मजेदार है, तो इलेक्ट्रिक पावर बोलो या भैया कोई भी पावर बोलो, पावर का आपको डायमेंशन याद होगा, पावर के लिए हमने क्या बताया था बेटा डब्ल्यू बाई टी, है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई टी, यानी वर्क क्या होता है, तुमने बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इसका आपको मैंने बोला था भाई पावर का डायमेंशन याद रखना, फोर्स का ये रहा एम एल टी माइनस टू, और एक डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और टाइम्स डिवाइड करोगे तो यही वाला क्या हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। तो भाई पावर का यहाँ पर अगेन आपको डायमेंशन याद रखना है, ताकि ये सारा रायता हमें यहाँ ना फैलाना पड़े। तो अगर पावर का डायमेंशन याद है, तो देखो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का भी बेटा यही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, वोल्टेज इंटू करेंट, है ना, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, मैं इसको याद रखने के लिए क्या बोलता हूँ कि ये हो जाता है मेरा बेटा वी आई पी, है ना, बोले वी आई पी लोगों के पास पावर होती है, राइट। तो वी आई पी लोगों के पास पावर थी, तो ये क्या आ गया बेटा वी इंटू आई इंटू बराबर पी। ओके, तो वी इंटू आई हो गया पक्का। तो ये इलेक्ट्रिक पावर या कोई भी टाइप का पावर है भाई, डायमेंशन यही रहेगा, मैंने पहले बताया था, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो वर्क के बराबर रहेगा, कोई भी पावर हो इसी एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला भी अपना कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ खास नहीं था। अब यहीं से हमें मिल गया सिक्स नंबर के लिए हिंट मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज दिया बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखेंगे डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या आ गया बेटा वर्ड पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वी बराबर क्या आ जाएगा बेटा पी बाई आई, और आपने बोला सर मुझे पावर का याद है, ठीक है, पावर का याद है क्या, बोले एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री अपॉन ए ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, तुमने बोला सर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। एक ही लाइन में वोल्टेज का पोटेंशियल का आपको क्या आ गया बेटा डायमेंशन निकल गया पक्का, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल भाई मजा आना चाहिए। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि क्या क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है
फोर्स के लिए और वर्क का और पावर का, ये डायमेंशन आपको याद रखने हैं, आपका काम सारा बनता चलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल हो गया भाई, इसका भी काम हो गया। अब किसका नंबर आ गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा हो तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि भाई मजे में लाइक तो बनता है ना। यस सर, आई लाइक इट, राइट, ओके। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट आ गए हम लोग किस नंबर पे, सेवन नंबर पे, सेवन नंबर पहुंच गए, ये अपना हो गया था सिक्स। सेवन नंबर में आए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आपको याद होगा ओम्स लॉ, क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या था बेटा, आपने बोला सर याद है, V इज इक्वल टू IR, है ना। मैंने याद करने के लिए ट्रिक क्या बताए थे, बड़े होके वीर बनेंगे, वीर है ना, वीर योद्धा, तो V इज इक्वल टू IR डायरेक्टली, ठीक है। ये याद करने की स्मॉल ट्रिक्स है कि भाई V इज इक्वल टू IR होता है तो फटाफट आ गया अपना, तो V इज इक्वल टू IR, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I, और भैया V का डायमेंशन अभी आप निकाले, उठा के लपेटो, I ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, V का हो गया ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन करंट का क्या हो गया A, तो ये वापस ही ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2, राइट। तो आप देख सकते हो कि बस चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ गया, रेजिस्टेंस का भी निकल करके आ गया, ठीक है। जो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे डायमेंशन वाला, वो वाला भी सॉरी करंट अल्टरनेटिंग करंट में हमारा आता है टॉपिक, कौन सा आता है बेटा, जिसमें आता है इम्पीडेंस, तो रेजिस्टेंस बोलो, ये किसका किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कह लीजिए या फिर इम्पीडेंस कह लीजिए, सबका एक ही रहेगा, ओके पक्का। तो इम्पीडेंस के लिए भी डायमेंशन का फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा, मजा आया बिल्कुल, तो लगे रहिए भाई, लाइक करते जाइए, और जिन लोगों ने फेसबुक और इंस्टा पे सब्सक्राइब नहीं किया है वो वहाँ पर, सॉरी फॉलो नहीं किया है वो वहाँ पर फॉलो भी कर ले। तो अब देखो बेटा हम लोग अभी आगे कौन से नंबर पे, सेवन हो गया अपना, एट नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट है, कौन सा शॉर्टकट है जरा वो भी याद दिला देते हैं आपको। तो इसका शॉर्टकट क्या बेटा, आपको पावर का एक और फॉर्मूला याद होगा, आई स्क्वायर आर, याद है कि नहीं। तो यहां से रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो पावर अपॉन क्या दिया बेटा, आई स्क्वायर। फिर मैंने बोला पावर का डायमेंशन आपको याद है ना, बोले हाँ सर बिल्कुल याद है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है, अपॉन, और इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या आ गया, तो आर बराबर आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, पक्का समझ गए। तो भाई इसका भी काम हो गया हमारा, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों डायमेंशन कैसे हैं बेटा, सेम है ना, मतलब आप चाहो तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, जरा भी टाइम आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, सेवन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा है, राइट। अब देखो यहाँ तक पहुँचने के बाद बेटा आगे हम लोग जैसे ही मूव करते हैं कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस क्या होता है जरा इसको देखते हैं। कैपेसिटेंस बेटा हम लोग जानते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, तो यहां से Q इज इक्वल टू CV आता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई V। अभी आपने देखा कि V का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, तो इसका क्या हो गया बेटा कूलम, और वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट, ठीक है। तो C इज इक्वल टू, अब मान लो फिर से आपने बोला सर मैं भूल गया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आपको अगर भूल गए हो तो मैंने आपको बताया था कूलाम का क्या होता है बेटा 80, ठीक है, और वोल्टेज को यहीं पे साइड में लिख लेना, बोले सर वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन आई, तो जैसे ही पावर अपॉन आई लिखोगे तुरंत याद आ जाएगा, बोले सर क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये तो पावर का, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1, अब सबको उठा के ऊपर लपेट दो तो क्या आ जाएगा बेटा एम माइनस 1 एल माइनस 2, टी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा 4, और ए ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर। तो ये किसका आ गया डायमेंशन, कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए वापस से, देखो ये एम ऊपर जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। फिर से याद में दिला दूं भाई, फोर्स का याद रखना है, वर्क का याद रखना है, और पावर का याद रखना है। फोर्स का क्या होता है एम मास इनटू एक्सीलरेशन ML - MLT - 2, और इसी में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ML स्क्वायर टी माइनस
टू और पावर में क्या होता है बेटा, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी में एम एल स्क्वायर, वर्क में टाइम डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस थ्री। तो यही भाई तीन बस आपको याद रखने, इतने में ही काम हो जा रहा है, अपने सारे के सारे डायमेंशन निकलते हुए चले आ रहे हैं, राइट। तो ये बेटा हमारा कैपेसिटेंस का भी निकल के आ गया, तो 8 नंबर तक हम लोग पहुंच गए, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। अब देखो आगे आ जाते हैं हम लोग किस नंबर पे, तो आगे आ गया नंबर बेटा हमारा, तो आगे आगे बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो आपको सब लोगों को याद होगा कि भाई दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसके बारे में बताता है, क्यू वन क्यू टू, अगर ये चार्जेस और इनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो आपको याद होगा 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, याद है ना। और इसको आप लोग क्या लिखते थे, बोले सर दिस इज के इज इक्वल टू 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁻⁹, और इसकी यूनिट क्या बन जाती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कैसे यूनिट बन गया जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही लिखते हो ना, तो आप K बराबर लिखोगे तो क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर, ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई और चार्ज नीचे चला गया क्यू वन इंटू क्यू टू, तो आप देख सकते हो यहाँ से आपका यूनिट बन गया ना किसका, तो आपने बोला सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप देखो मैंने बोला ना फोर्स, बोले तो न्यूटन, तो न्यूटन का क्या है डायमेंशन, आपने बोला सर एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर और आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा एटी होता है, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सबको ऊपर उठा के ले जाओ तो आपका के का डायमेंशन यहाँ पर निकल के आ जाता है एम एल, एल क्यूब हो गया और ये टी ऊपर गया तो बेटा टी माइनस फोर हो गया, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू, तो ये हमारा डायमेंशन निकल करके आ गया भाई। कई बार JEE नीट घुसट में ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखो इसके बाद किसका नंबर आया बेटा हमारा, इसी में आ जाता है परमिटिविटी, ये दिया हुआ ना एप्सिलॉन, तो आप देख सकते हो कि अगर इसको हम लोग जस्ट रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो जरा के बराबर 1/4π, 4π तो कॉन्स्टेंट होता है, ये हो गया इधर, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 1/4πk। तो भाई इस k की वैल्यू आपने बोला कि सर इसकी यूनिट जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो भाई ये जो डायमेंशन आया उसको क्या कर दो, प्लस कर दो और प्लस वाले को माइनस कर दो, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल करके आ जाएगा, तो ये हो गया अपना m माइनस वन एल माइनस थ्री, क्योंकि देखो अपॉन में गया ना बेटा, सब पलट देना है बस, t प्लस फोर और ये क्या हो जाएगा a प्लस टू, है ना, a स्क्वायर हो गया। तो ये आपका किसका आ गया, परमिटिविटी का, ये भी JEE बेटा दो तीन बार पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हो कि अगर हमें ये तीन याद है तो बस चुटकी बजाते जाओ और सब निकालते जाओ, ठीक है। तो हाँ प्लीज़ जो टीचर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप बच्चों के ऊपर एक प्रेशर ना डालें, क्योंकि सारे डायमेंशन याद नहीं किए जा सकते हैं, आप बेसिक डायमेंशंस को बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे, उनको लगता है मैं कितने याद करूँगा, बिल्कुल बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये तीन पकड़ो और इन्हीं तीन में आपके मैक्सिमम डायमेंशन सारे निकल करके आ जाने हैं, राइट। तो ये याद काम हो गया। सिमिलरली अब कौन सा बच्चों बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, तो अब इसको हटाते हैं ग्रेविटेशन पे आ जाते हैं, तो ग्रेविटेशन भी हमारा इसी की तरह सिमिलर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा था बेटा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 10 नंबर लास्ट आ जाते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जिन लोगों ने भाई शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स को, उनको भी सीखने का पूरा अधिकार है, अगर वो लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे आ जाते हैं, देखो बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने भी न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन जी ने, न्यूटन दादा ने ये कहा था कि अगर कोई भी दो मास बॉडीज है कहीं भी यूनिवर्स में और उनके बीच का डिस्टेंस आर है, तो जैसे अभी कूलम्स लॉ में किया वैसे ही, बोले सर ये आ जाता हमारा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, आपको याद होगा नाइन्थ में आपने पढ़ा था। तो G इज इक्वल टू बेटा देखो जैसे अभी आपने किया, तो बोले R इधर जाएगा तो फोर्स R इंटू आर स्क्वायर और मास नीचे जाएगा तो M1 इंटू M2 हो जाएगा, तो यूनिट इसका क्या आ जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा kg स्क्वायर,
ठीक है। तो यहां से इसका जैसे यूनिट बना तो बेटा एक ही लाइन में आप सारा डायमेंशन निकाल के रख पाओगे। कैसे? बोले सर फोर्स का तो मुझे याद ही है ना। और फोर्स का याद है तो क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस टू, और इसका बोले एल स्क्वायर, और इसका बोले सर एम स्क्वायर। कीजिए ना, मास का क्या होता है एम, एम स्क्वायर। देखो यहां पर एक एम पावर कट गया, तब सॉल्व करोगे तो एम ऊपर ले जाओ, बाकी सब कुछ सेम। एम माइनस वन एल टी, अब ये एल क्यूब हो गया बेटा और टी माइनस टू, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इजी वे में सारे डायमेंशंस कर पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगले वाले टॉपिक में हम लोग सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपके आगे वाले डायमेंशंस भी बहुत इजी वे में मिल जाए। थैंक यू।